Assalamualaikum class 5 students. Today we are going to discuss the unit number 4. आज हम जो unit number 4 discuss करेंगे. Unit number 4 discuss करने से पहले मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने unit number 3 का जो है वो fair work अपनी copies के अंदर अच्छी तरीके से मुकम्मल कर लिया होगा. वो मुकम्मल करने के बाद आप उसको जो है as soon as possible जल्दी इसको check भी करा लें. आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे वो है हेल्थ एंड सिकनेस. जो हमारी थीम थी उस थीम के अंदर आपने बताया उसका नाम था अवर सेल्फ यानी खुद के बारे में पढ़ना. तो आज उस खुद के बारे में जो थीम थी हमारे सेल्फ उसके अंदर जो फोर्थ चैप्टर हेल्थ एंड सिकनेस है उसके अंदर हम सेहत और जो है उसकी बीमारियां जो है हमारे सेहत को जो बीमारियां लगती है उसके बारे में पढ़ेंगे. आपको पता है सेहत जो है अगर आपकी बॉडी के जो है प्रॉपर वर्क कर रही है सही तरीके से काम कर रही है तो यू आर हेल्थी. इफ हैव एनी इन्फेक्शन और एनी एबनॉर्मल एक्टिविटीज इन योर बॉडी अगर आपकी बॉडी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही इसका मतलब जो है सिकनेस इन योर हेल्थ आपकी बीमारी जो है उसके अंदर किसी किस्म की खराबी है. तो ये आपको पता है जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे तो आपको ये मालूम होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉलर इन साइज. ये साइज में जो है टू स्मॉल होते हैं जिसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते. तो हमें कैसे पता चलेगा कि देयर इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हैं. व्हेन यू टेक द मोल्डी ब्रेड अगर आप रोटी वगैरह जो फ्रिज से निकालते हो वो मोल्डी होती है उसके ऊपर जो है वो मोस लगे पड़े हैं फंगस लगे पड़ी होती है तो उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं जो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं. इसी तरह अगर आप अपने जो है कैविटी को देख लें या टूथ के जो होते हैं हमारे दांत खराब हो जाते हैं तो दांत जो है उसको जो मुख्तलिफ किस्म के पर्टिकुलर एक बैक्टीरियाज होते हैं दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टूथ डिके आपकी दांत की खराबी की वजह से होते हैं. तो हम जो गिजा वगैरह खाते हैं गिजा खाने के बाद तो वो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं हमारे दांतों के ऊपर. दांतों को स्टिक होने के बाद वो पलिक कास कर देते हैं. अगर हम ब्रश सही तरीके से नहीं करेंगे प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो जो है टूथ हमारे खराब हो जाएंगे टूट सकते हैं. तो ये जो है हमें मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है इस तरह उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो आज जो हमने जो सबसे जो पहला टॉपिक जो हमारा होगा इसके अंदर वो इन्फेक्शन. इन्फेक्शन क्या होते हैं कि व्हेन एनी डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बीमारियां काज करते हैं. मैंने आपको बताया कि माइक्रोऑर्गेनिज्म दो किस्म के होते हैं एक जो है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और दूसरे जो है हमारे लिए फायदेमंद होते हैं. जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म उनको डिजीज काजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. अगर वो हमारी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं जब अटैक करेंगे तो हमें कोई इन्फेक्शन किसी किस्म की खराबी या कोई डिजीज या बीमारी काज करेंगे. तो एक इसके अंदर जो टर्म है इन्फेक्शन डिजीज यानी फैलने वाली बीमारियां ये ऐसी बीमारियां होती है जो पर्सन टू पर्सन फैलते हैं स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है वो लग सकते हैं एक जानदार से दूसरे जानदार को लग सकती है यानी दूसरे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो है किसी जानवर किसी परिंदे या किसी दूसरा जानदार है उससे भी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकते हैं. तो ये जो है इस चैप्टर के अंदर जो कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है उसमें अंदर पोलियो है. आपको पता है पोलियो की वैक्सीन आप छोटे बच्चे हैं तो आप पीते थे वैक्सीन. तो ये पोलियो भी एक क्या इन्फेक्शियस डिजीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो है वो फैलती है थ्रू कंटेमिनेट वाटर या दूसरी सोर्सेस के थ्रू. उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस है जिसको टीबी भी कहते हैं ये लंग्स डिजीज होती है. ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन से फैलती है थ्रू कफिंग स्नेजिंग अगर हम कफ करते हैं स्नेज करते हैं या उससे भी फैलती है. उसके बाद मलेरिया है. मलेरिया भी क्या है आपको पता है मलेरिया का बुखार होता है. ये भी क्या है इन्फेक्शन डिजीज है जिसमें रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटोजोआ वो जो है विकास करता है मलेरिया जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से भी फैल सकता है यानी मच्छर से जो है के थ्रू भी जो है फैलते हैं. उसके बाद डेंगू भी जो है आपको पता है मच्छर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इसके फॉर स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज डिजीज को फैलाने के लिए. तो ये आज जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर हम जो है डिस्कस किया था कि इन्फेक्शन डिजीज क्या है. इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हार माइक्रोब्स इन्फेक्ट अस. ये माइक्रोब्स जो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमें इन्फेक्ट किस तरह करते हैं हमारे ऊपर अटैक किस तरह करते हैं वो जो उसकी सोर्सेस पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज हमारा जो न्यू चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है इसके टॉपिक हाउ माइक्रोब्स इन्फेक्ट अस उसको डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.